शिमला जिला के रामपुर व आसपास के इलाकों के लोग कोरोना से जंग लड़ने में काफी सफल हुए हैं। पिछले एक साल के भीतर 1450 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जिसमें से 1220 लोग कोरोना की जंग को जीते हैं और अब 230 लोग कोरोना संक्रमित हैं। एक साल के दौरान कोरोना से 26 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से बचाव में क्षेत्र के लोगों ने सरकार द्वारा जारी SOP व बचाव पर ध्यान रखा, जिससे संक्रमण तेजी से नहीं फैला। रामपुर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को बार बार धोना और अन्य निर्देशों का लोग पालन करें, तभी कोरोना को मात दिया जा सकता है। SDM रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया, रामपुर उपमंडल में कोरोना टेस्टिंग प्रक्रिया पिछले साल 26 अप्रैल से शुरू की गई। अब तक 26,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है, इनमें बाहर से लोग भी शामिल हैं। कोरोना से संक्रमित अब तक 1450 लोग हुए, अब केवल 230 लोग ही कोरोना पॉजिटिव रह गए हैं। इस दौरान कोरोना से मरने वालों की संख्या 26 है। रामपुर प्रशासन में मारे गए 15 कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जंग लड़ने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। तो ये जो ठीक होने का दर है, जो कोरोना से ठीक हुए है, वो क्या परसेंटेज है, कितना है लगभग? देखिए, आप जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि लगभग 26,000 में से 1400 लोग ही अभी तक पॉजिटिव आए हैं और 1400 लोगों में से भी लगभग अभी जो मृत्यु हुई है वो लगभग 26 लोगों की हुई है, बाकी लोग तो सारे ठीक हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट है ना। तो और आई थिंक लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया है, लोग इस बात को समझे हैं कि हमें जो कोरोना के दिशा निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना करनी है, और लोगों ने अपना भरपूर सहयोग दिया है।